गोइंग ऑन माय लवलीस्ट एंड डियरेस्ट पीपल आउट देयर, वेलकम टू जस्ट पढ़ले। और आज हम करने वाले इस वीडियो के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इसके साथ में हमारा पूरा साइंस और सोशल कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल चैप्टर, बहुत क्यूट सा चैप्टर है, कुछ है नहीं, जितना हमको पता है उतना ही है, बस थोड़ा सा और लिख दिया। तो मैं भाई, अगर तुम लोग नए हो इस चैनल के ऊपर, तो तुम लोगों को अगर पता नहीं है चैनल की वाइब क्या है, तो चैनल की वाइब यही है कि हम इसके ऊपर जितने भी चैप्टर्स है वो तो वैसे बहुत ही मस्ती मजाक में कर ले, ताकि तुमको ऐसा लगे कि बहुत ही एक घंटे का बहुत ही मस्ती मजाक चल रहा है यहाँ पे, और उस बीच गलती से पढ़ाई भी हो गई, ठीक है। मतलब तुमको ऐसी फील नहीं आएगी कि डेडिकेटेड तुम पढ़ने आए, क्योंकि मैं ऐसी उल्टी सीधी बातें करते रहता हूँ, इधर उधर की बातें करते रहता हूँ, उससे हमारी फील आती है, उससे ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही सही चीज देख रहे हैं, फिर हमको लगता है कि अरे इससे हमारी पढ़ाई भी हो गई। तो अगर तुम लोग नए हो तो मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं, और 50,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट हमको बहुत जल्दी हिट करना है। तो लेट्स सी कि हम 20th September से पहले इसको हिट कर रहे हैं, 6 दिन ही बचे हैं, बहुत ही टफ टारगेट है, बट लेट्स सी अगर तुम थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर करो ढेर सारे लोगों के साथ में, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि देखो ऐसी चीज आई डोंट थिंक, पहले मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ऐसा 9th पढ़ाया नहीं है, बट हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छी बात है, जितने लोग करें उतना अच्छा है, बट इस टाइप से कि भाई तुमको बहुत ही चिल्ला के मस्ती मजाक में हो जाए और भाई वाली दोस्त वाली फील आए, वो शायद नहीं हुआ है, हो सकता है हुआ हो बट शायद नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा इसको सपोर्ट कर सकते हो, तुम थोड़ा शेयर कर सकते हो वीडियो को, सब्सक्राइब कर सकते हो अपने घर के जितने फोन है सबसे, ठीक है। अगर तुम हजार लोगों ने अपने घर के 4 फोन से भी सब्सक्राइब कर दिया, तो 4,000 सब्सक्राइबर्स एक साथ हमारे पास आ जाएंगे। बट एनीवे, ऐसा नहीं करना हमको चाहिए जेन्युइन लोग जो कि सच्चे में प्यार करने वाले हो। बट फॉर नाउ लेट्स बिगिन कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में और जो आने वाली चीजें शेड्यूल वगैरह मिल जाएंगे, बट फॉर नाउ लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। उसके साथ में अगर तुम लोगों को नोट्स डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, कुछ नोट्स और अपडेट हो रहे हैं। और एक चीज बता दूं कि वेबसाइट में कुछ इश्यू चल रहा है जिसके कारण नोट्स अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, तो अगर मैं ट्राई करूंगा आज के दिन वेबसाइट को ठीक करने का, अगर आज मुझसे वेबसाइट ठीक नहीं होती, मैं वेबसाइट पर नोट्स नहीं डाल पाता हूं, तो मैं टेलीग्राम के ऊपर तुम्हारे जो नोट्स है वो डाल दूंगा, ठीक है। ओके, तो ये अगर तुम लोगों ने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया पढ़ले डॉट इन, तो फटाफट फॉलो कर लो जाके @पढ़ले, साथ में मुझे फॉलो नहीं किया तो @conpranav जाके मुझे फॉलो कर लो। 5,000 फॉलोअर्स बहुत जल्दी हिट करना है, क्योंकि बहुत ऐसी अच्छी अच्छी पोस्ट डालते हैं, थोड़े बिहाइंड द सीन्स मिल जाते हैं, थोड़ी ऐसी मस्ती मजाक वाली चीज और थोड़ी एक्चुअल सेंसिबल चीजें डालता हूं, मैं ऐसे फालतू उल्टी सीधी चीजें डालता कि बहुत ही खतरनाक मोटिवेशन कर दिया कि जाओ ये चिंगारी लेके पूरा खेत जला दो, ऐसा कुछ नहीं करता मैं, बहुत प्रैक्टिकली जो चीज पॉसिबल है वहां बताता हूं तुमको, छोटे छोटे स्टेप्स कभी कभी बता देता हूं कि कैसे तुम और ठीक कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता कि एक वीडियो देख के तुम 15 घंटे पढ़ने लग जाओ, ये बेवकूफी और महा बेवकूफी है। तुम 1-2 दिन पढ़ लोगे पर कुछ भी नहीं होना उससे, ठीक है, तुमको भी पता है बात, कितना भी देख लो बड़े मोटिवेट हो जाओ पर कुछ होना करना है नहीं 1-2 दिन के अलावा। पर मैं तुम लोगों को ऐसी लॉन्ग टर्म चीज बताता हूं कि भाई धीरे 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 करके कैसे हम कर सकते, तो ऐसी ऐसी रील्स वगैरह मैं डालूंगा। फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, ठीक है। तो पढ़ले डॉट इन तुम जा सके देख सकते हो। लेट्स बिगिन कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, चैप्टर का जिस्ट और चैप्टर को पढ़ने का तरीका क्या है भैया, देखो हर चैप्टर के बारे में तुमको बता देता हूं, तो सोशल के साथ में सब कुछ सेम है, मैं तुम लोगों को बताते जाऊंगा, बड़बड़ बड़बड़ करते जाऊंगा, तुम सुनते आना, ताकि तुमको हिंदी में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, पर हमको एग्जाम के हिसाब से फिर बुकिश लैंग्वेज में क्या देखना है वो तुम हर स्लाइड को पॉज करके रीड करना, क्योंकि ये स्लाइड्स एनसीईआरटी को रेफर करके बनाई हुई है, ठीक है। तो जो टीम है बहुत मेहनत करती है भाई स्लाइड्स के ऊपर, बहुत मेहनत करती है पढ़ले की टीम, बहुत ही खूबसूरत टीम है हमारी, ठीक है। तो कभी मिलाएंगे तुम सबको, वैसे तुम जानते होगे सबको, बट एज ऑफ नाउ अभी क्या करना है हमको, अभी जैसे जैसे मैं स्लाइड चेंज करूं वैसे पॉज करना और रीड कर लेना, ठीक है, सिंपल। लेट्स बिगिन कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, वे ओवरव्यू क्या है चैप्टर का, इस चैप्टर का ओवरव्यू है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, नाम से समझ में आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन कैसे करना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स जहां पर ये डिसाइड होता है कि किस इंसान के पास कितनी पावर है, कौन गवर्न करेगा, कौन रूल करेगा, और उस रूलर के पास में क्या-क्या पावर्स हैं, और जनता जनार्दन के पास में क्या-क्या पावर्स हैं, यही चीज है। अब वही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है, तुम पॉज करके रीड करो तो समझ जाओगे कि अच्छा भैया ने तो यही बोला, ठीक है। अब तुम देखो हम रीड करते, ठीक है। डेमोक्रेसी, वी नोटेड इन प्रीवियस चैप्टर दैट इन अ डेमोक्रेसी रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक, तो रूलर्स आर नॉट फ्री, ठीक है, मतलब कोई भी रूलर फ्री नहीं है अपनी इच्छा मुताबिक काम करने के लिए, ठीक है। देर आर सर्टन क्राइटेरिया, बेसिक क्राइटेरिया जो सिटीजन और गवर्नमेंट दोनों को फॉलो करने पड़ते हैं, और इन रूल्स को जब मैं साथ में एक किताब में लिख देता हूं एक जगह पे कि भैया ये है, तो उसको मैं बोल देता हूं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, मतलब ये जो इस किताब में लिखा है ये पत्थर की लकीर है, ठीक है, नहीं पत्थर की लकीर नहीं, उसको लक्ष्मण रेखा बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, बट ऐसा है कि ये जो है ये तो फैक्ट है, इसके हिसाब इसके मुताबिक ही आपको काम करने पड़ेंगे, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब कुछ कुछ सवालों के जवाब हम इस चैप्टर में ढूंढेंगे, ठीक है, हर चैप्टर को हम इस हिसाब से देखते हैं कि क्या क्या सवाल के जवाब मिलने वाले यहाँ पे। तो पहली बात तो कोई क्वेश्चन की जरूरत ही क्या है, ऐसे ही बोल देते जाके कि भैया ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा मत करो, ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा मत करो, काम खत्म, किताब लिखने की क्या जरूरत थी, पहला रीजन ये, ठीक है। फिर हाउ आर कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन, चलो जरूरत पता चल गई, पर इसको बनाया कैसे, लिखा कैसे, और किसने लिखा, कोई एक व्यक्ति बैठा था लिखने, या फिर कुछ 10-12 लोग बैठे थे लिखने, या फिर बस एक दिन सोचा कि चलो किताब लिखते और लिख दी, कैसा हुआ, या फिर सालों लग गए लिखने में, कैसा हुआ, ठीक है। हु डिजाइन्स, कौन डिजाइन करता है और किस तरीके से डिजाइन करता है, ठीक है, क्या क्या वैल्यूज होती है उसके अंदर, कि भाई किस किस चीजों को ध्यान में रखा जाता है,
ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बन गई तो क्या उसमें बाद में चेंजेस आ सकते हैं? मान लो कि 50 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अब 50 साल बाद लोगों की रिक्वायरमेंट्स अलग होगी, तो क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले, ठीक है, डायरेक्ट अगर मैं तुमको तो मस्ती मसाला नहीं रहेगा, तो हमें कहानी के थ्रू जानेंगे। ठीक है, कहानी जो है वो है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका, ये मिस्टर नेल्सन मंडेला है, जो कि बहुत रिस्पेक्टेड इंसान है, तुम लोग जानते हो, नाम तो सबने सुना होगा। तो हम अभी एग्जांपल लेना था साउथ अफ्रीका के, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हाल था, ठीक है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनी। ठीक है, चलो, तो बेसिकली साउथ अफ्रीका में प्रॉब्लम ये थी कि साउथ अफ्रीका में, देखो मैं तुम लोग बताऊं, साउथ अफ्रीका में ये नेल्सन मंडेला के कुछ लाइंस हैं, ये तुम रीड कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली नेल्सन मंडेला जो थे, पहले मैं तुमको बता दूं नेल्सन मंडेला की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री। नेल्सन मंडेला को मतलब उनको जेल भेज दिया गया था फॉर ट्रेजन। ये ट्रेजन का मतलब क्या होता है? देशद्रोह, ठीक है, या फिर अपनी सरकार के अगेंस्ट जाना, ठीक है, देश के जो लॉज है उसके अगेंस्ट जाना, उसके कारण उनको साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने भेज दिया था जेल में। ठीक है, उनके साथ में 7 और लोग थे जिनको उम्र कैद जो है वो घोषित कर दी गई थी 1964। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपोज किया था अपार्थाइड रेजाइम। अपार्थाइड रेजाइम मतलब डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। रेस मतलब वो दौड़ने वाले रेस नहीं, रेस मतलब कलर, ठीक है, ब्लैक्स और व्हाइट्स। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन दिस बेसिस, वहां पर जो उस टाइम तक सरकार चल रही थी वो व्हाइट मेजोरिटी, मतलब सब व्हाइट्स को फेवर करते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा बोला कि भाई ये तो सही नहीं है यार, मतलब ब्लैक्स भी हैं, तो सिर्फ रेस के बेसिस पे, सिर्फ कलर के बेसिस पे आप उनके साथ प्रताड़ना कैसे कर सकते हो, उनको प्रताड़ित कैसे कर सकते हो, है ना। तो उन्होंने आवाज उठा दी। अब ऐसा लगा कि भाई ऐसा कैसे आवाज उठा दी, तो व्हाइट जो थे उन्होंने, मतलब जो गवर्नमेंट थी, अब वो व्हाइट मतलब व्हाइट उसमें थी, मोनो क्या बोल सकते हैं उसको, उनके हाथ में थी, वाइट के पावर्स में थी, तो उन्होंने नेल्सन मंडेला को लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट कर दिया। तो अगले 28 साल उन्होंने जेल में बिताए। ठीक है, स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड। तो ये एपार्थाइड क्या है और क्या स्ट्रगल था? तो बेसिकली क्या हुआ कि देखो, जैसे काफी सारी जगहों पे यूरोपियंस और ब्रिटिश ऐसे अलग अलग लोगों ने राज किया, जैसे इंडिया के अंदर भी किया, पर इंडिया के अंदर क्या होता है कि जब आजादी हुई तो उसके बाद में जो मैक्सिमम लोग थे ब्रिटिश वाले, जो मैक्सिमम ब्रिटिशर्स थे वो वापस चले गए थे, है ना। तो यहां पर कोई बसा नहीं, ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं हुआ कि वो अभी भी बसे हुए, कुछ कुछ लोग रह गए जिनको रहना था, बट ऐसा कुछ था नहीं कि ये एक अलग कैटेगरी है लोगों की, ऐसा कुछ नहीं था। पर साउथ अफ्रीका में क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका में यूरोपियंस जो थे 17th और 18th सेंचुरी में, यूरोपियंस जो ट्रेडिंग, मतलब जैसे कि ब्रिटिश भी ट्रेड करने आए थे, मतलब पता है ना सबको ईस्ट इंडिया कंपनी, वैसे ही वहां पर भी ऐसा होता। तो यूरोप जो है, पर दिक्कत ये हुई कि यूरोप ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया, और ऑक्यूपाई करने के बाद जब यूरोपियन जब आजाद भी हुए वो, तो भी वहां के जो व्हाइट्स थे वो यहीं रह गए। ठीक है, व्हाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स। ठीक है, एपार्थाइड मतलब इट डिवाइडेड द पीपल ऑन पीपल एंड लेबल देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन। लेबल मतलब कि लेबल कर दिया गया कि व्हाइट से और ब्लैक से, ये व्हाइट से ये कर सकते हैं, ब्लैक से ये कर सकते हैं, ये ऐसा हुआ गया था। ठीक है, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ कलर, आपका कलर कैसा है। ठीक है, अब देखो जो साउथ अफ्रीका के नेटिव लोग हैं वो तो ब्लैक ही हैं, है ना, दे आर नेटिवली ब्लैक। अगर वैसे हम ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे हमको डिवाइड नहीं करना चाहिए, बट फॉर दिस किताब में जो लिखा है उस हिसाब से अगर हम देखें तो दे आर नेटिवली ब्लैक इन कलर। ठीक है, तो मेनली जो मेजर पॉपुलेशन थी, 3/4 पॉपुलेशन से भी ज्यादा पॉपुलेशन थी ब्लैक्स की थी, तुम देख सकते हो 75.2%, ये तुम चार्ट देख सकते हो। अब इसके अलावा और कौन कौन लोग थे वहां पे और वाइट थे, अब तुम देखो वाइट चूंकि उनके जबकि पावर में थे पर फिर भी उनकी पॉपुलेशन कितनी कम है, मतलब वाइट जो है वो ब्लैक्स को प्रताड़ित कर रहे हैं, जबकि ब्लैक जो है वो वाइट से 3-4 गुना ज्यादा है पॉपुलेशन में। ठीक है, पर फिर भी ऐसा हुआ। फिर एक है कलर्ड जिनकी मिक्स रेसेस थी, मतलब जो व्हीटिश कलर के बोल सकते हो तुम, और बाकी इंडियन भी वहां पर काफी सारे लोग थे जो इंडिया से माइग्रेटेड हुए थे। ठीक है, तो जितने भी व्हाइट रूलर्स थे, मतलब ऑब्वियसली व्हाइट की वो चल रही थी वहां पे, वाह भाई ठीक है, व्हाइट से सब कुछ रूल कर रहे थे, तो जितने भी व्हाइट रूलर्स थे वो नॉन व्हाइट, जितने भी नॉन व्हाइट थे, नॉन व्हाइट में सिर्फ ब्लैक्स नहीं आए, नॉन व्हाइट में कलर्ड भी आ गए, इंडियंस भी आ गए और ब्लैक्स भी आ गए, तीनों इनको वो इंफीरियर मानते थे, मतलब अपने से छोटा मानते थे। ठीक है, तो उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते थे। ठीक है, वोट करने का मतलब वोटिंग राइट्स सिर्फ वाइट्स के पास होते थे, उनके पास कोई राइट्स नहीं होता था। ठीक है, तो अब जो नेटिव ब्लैक लोग वहां पर रह रहे हैं उनके साथ साथ क्या क्या प्रताड़ना की गई, क्या क्या उनके पास में कंडीशंस थी कि भैया उनको व्हाइट एरियाज में नहीं रहने देता था, मतलब तुम समझ रहे हो ना कि व्हाइट एरियाज मतलब कि जो पॉश लोग हैं या फिर जो अच्छे जिनको अच्छी कैटेगरी के लोग हैं, तो वहां पर ब्लैक्स का अलाउड नहीं था आना। ठीक है, ब्लैक्स को बिल्कुल आने देते, परमिशन नहीं देते थे। ठीक है, और वो सिर्फ व्हाइट एरियाज में काम अगर उनको करना है, व्हाइट एरियाज में कि किसी ऑफिस में या फिर किसी जगह पे कुछ छोटा मोटा काम करना, तो उनको परमिशन लेनी पड़ती थी कि आप बिना परमिशन के काम नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, ये सब व्हाइट्स और ब्लैक्स के लिए अलग अलग थे। मतलब ऑब्वियसली व्हाइट्स के लिए बहुत अच्छे होंगे और ब्लैक्स के लिए बस ऐसे ही होंगे ठीक ठाक से। मतलब मान लो कि अगर तुमको हॉस्पिटल भी जाना है और कोई ब्लैक इंसान बीमार है या बहुत अर्जेंट जरूरत है, तो व्हाइट्स में उसको ट्रीट नहीं करेंगे, ब्लैक्स के लिए हॉस्पिटल अलग है, तो सिर्फ यहीं लेके जाओ। मतलब तुम सोच रहे हो एक ही कंट्री के अंदर कितनी ज्यादा डिवीजन है, कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, इसको सेग्रीगेशन बोलते हैं। सेग्रीगेशन मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ किसी भी बेसिस पे, जैसे यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ कलर या ऑन द बेसिस ऑफ रेस, हमने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी ही चेंज कर दी, है ना, उसको ही डिवाइड कर दिया। बहुत ही बढ़िया, जैसे चर्च में नहीं जा सकते थे,
ब्लैक्स लोग जो थे वो व्हाइट्स के चर्च में नहीं जा सकते थे और वो एसोसिएशन में प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, मतलब उनके साथ जो प्रताड़ना हो रही है वो उसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते थे, इतनी ज्यादा उन्होंने व्हाइट जो थे उन्होंने इतनी ज्यादा अपनी मोनोपोली बिठा रखी थी। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब 1950 के अंदर ब्लैक्स, कलर्ड और इंडियंस जो है उन्होंने लड़ाई की। आप फाइनली उन्होंने सोचा कि भाई अब थोड़े थोड़े चलते चल जा रहे, थोड़े थोड़े एसोसिएशन तो चल ही रहे थे बट ऐसा कुछ अच्छा हो नहीं पाया था। बट यहां पर क्या हुआ कि 1950 के बाद से दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक। फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है ये एक अम्ब्रेला थी, मतलब एक छाता बना के उन्होंने काम किया। छाता मतलब ऐसा नहीं कि असली में छाता लेके गए, ठीक है, छाता मतलब एक मतलब तुम बोलते ना सिर पे किसका हाथ है, तो सिर पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का हाथ था। ठीक है, दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर, दिस इंक्लूडेड मेनी वर्कर्स यूनियंस एंड कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, चलो तो काफी सारे वर्कर यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी भी इसके अंदर इन्वॉल्व थी। क्लियर है इतना। नाउ मेनी सेंसिटिव, अब देखो ऐसा नहीं था कि सिर्फ सारे ही वाइट्स खराब है, कुछ वाइट्स जैसे कि इंडिया के अंदर भी जब ब्रिटिश रूल था तो कुछ ब्रिटिशर ऐसे भी थे जो कि इंडिया के साइड थे, जो कि समझ रहे थे लोगों की भावना, तो वहां पर भी ऐसा ही हुआ था कि कुछ वाइट्स भी थे जो कि सेंसिटिव थे, जिनको लग रहा था कि भाई ये सब तो गलत हो रहा है इनके साथ में, उन्होंने भी ANC को ज्वाइन किया और उन्होंने भी अपोज किया। काफी सारी कंट्रीज ने अपार्थाइड को बिल्कुल ऐसा डिनाउंस, मतलब देखो अनाउंस करते ना वैसे डिनाउंस होता है, डिनाउंस मतलब कि गलत साबित कर देना, तो बहुत सारी कंट्रीज ने ये भी बोल दिया कि भाई ये जो खेल हो रहा है गलत है, दिस इज अनजस्ट, ठीक है, दिस इज रेसिस्ट, ये बहुत ही इनह्यूमन है, ठीक है, इंसानियत के खिलाफ है ये, ऐसा बहुत सारी कंट्रीज ने मान भी लिया। ठीक है, पर व्हाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने तो बोला कि हम तो यही करेंगे जो कर रहे थे, हम टॉर्चर करेंगे, हम डिटेन करेंगे, हम किल करेंगे, थाउजेंड्स हजारों ब्लैक लोगों को, हजारों कलर लोगों को मार दिया गया इसे चक्कर में। तो बाकी सब जहां पर उनकी वो कर रहे हैं, ठीक है, उनको बोल रहे कि भैया ये गलत है, तो भी उनको नहीं सुनना, वो बोल रहे कि हम ही है जो है। ठीक है, अब देखो टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब जैसे जैसे प्रोटेस्ट और स्ट्रगल्स बढ़ते गए वैसे वैसे गवर्नमेंट को पता चल गया कि भैया अब जो है हम ऐसे बिल्कुल नहीं रख सकते, जैसे हमने ब्लैक्स को आज तक प्रताड़ित किया वैसे हम आगे और कंटिन्यू नहीं कर सकते, वरना फिर लोग बहुत पागल हो जाएंगे और इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो अगर ये सबके सब इनमें से थोड़े से आधे लोग भी खड़े हो गए ना तो हम तो गए। ठीक है, तो ऐसा इनको रियलाइज हो, तो उनको लगा कि नहीं हम ऐसा तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो व्हाइट रेजिम और ब्लैक रेजिम, तो व्हाइट रेजिम ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली। ठीक है, जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉस थे उनको हटा दिया गया। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टीज रेस्ट्रिक्शन, मीडिया, ये सब पे जो पॉलिटिकल पार्टीज और रेस्ट्रिक्शन था ये सब जो है ये भी हटा दिया गया, जो भी बैन किए गए थे कि आप पॉलिटिकल पार्टीज एसोसिएशन फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, फिर रेस्ट्रिक्शन ऑन मीडिया कि आप मतलब ये सारी चीजें हम प्रताड़ित कर रहे हैं दिखा नहीं सकते लोगों को, वो सब जो रेस्ट्रिक्शन थे वो हटा दिया गया। ठीक है, पर अब यहां पर 28 साल के बाद नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल, 28 साल के बाद नेल्सन मंडेला को भी वहां से फ्री कर दिया गया। फाइनली 26 अप्रैल 1994, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 26 अप्रैल 1994, द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ल्ड, मतलब कि 1994 इस टाइम तक ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज जो हैं वो डेमोक्रेटिक हो चुकी थी। इंडिया तो 1947 में हो गया था, इससे करीब 50 साल पहले, तो ये अभी 1994 कुछ साल पहले की बात है कि नेशनल फ्लैग वहां का अनफोल्ड मतलब कि अनफोल्ड किया गया, बताया गया कि ये अब नेशनल फ्लैग है। ठीक है, तो अपार्थाइड गवर्नमेंट जो है वो निकल गई, अब यहां पर एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट आ गई। मल्टी रेशियल मतलब ऐसा नहीं हो कि जैसे कि देखो अभी तक क्या हो रहा था, देखो वही चीज आगे हम देखेंगे, है ना, वही चीज आगे हम देखेंगे। देखो बेसिकली क्या हुआ आफ्टर द इमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, यहां पर क्या हुआ, देखो व्हाइट्स ने ब्लैक्स को प्रताड़ित किया, पर ब्लैक्स ने ऐसा सोचा कि हम इनको प्रताड़ित नहीं करेंगे उल्टा। ठीक है, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज की कि यार देखो अब डेफिनेटली ब्लैक्स जो थे वो हो सकते चाहते तो सारे व्हाइट्स को मार भी सकते थे, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, पावर भी आ गई थी, पर इन्होंने सोचा कि नहीं, जो इन्होंने हमारे साथ किया है हम वो गलती नहीं करेंगे इनके साथ। ठीक है, हम वो गंदे काम नहीं करेंगे इनके साथ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया ब्लैक्स ने कि हम इनके साथ मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है, कितनी खूबसूरत बात है भाई, तुम सोचो उन लोगों ने इनको इतना प्रताड़ित किया उसके बावजूद इन्होंने उनको कुछ नहीं किया, उल्टा इन्होंने ऑफर किया कि हम साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं। ठीक है, दे सेड लेट अस बिल्ड साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस मेन एंड वुमेन ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। ठीक है, अब ये स्लाइड्स रीड करते हैं ना, क्योंकि मैं एक एक स्लाइड को रीड करने में टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करता हूं, तुमको बताइए। ठीक है, तो द पार्टी देखो, तो जो पार्टी पहले कौन सी पार्टी रूल कर रही थी, व्हाइट्स की, जो व्हाइट रूलर मतलब व्हाइट का रूल चल रहा था, व्हाइट्स का रूल चल रहा था, तो उन्होंने ऑपरेशन किया, ब्रूटल किलिंग की, ये सब की, पर जो ब्लैक्स थे जो कि प्रताड़ित हुए, the ones who were oppressed, उन्होंने ऑफर किया ऑपरेसर्स को कि चलो हम साथ में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत है। दो साल के डिस्कशन के बाद, लंबी डिबेट के बाद में, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस द वर्ल्ड इज हैविंग राइट नाउ। तो जो साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही फाइन है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, This constitution gave to its citizens most extensive rights available in any country. तो किसी भी कंट्री में जो सबसे ज्यादा rights है, सबसे अच्छे rights है, one of the best South Africa में है। One of the best जो rights दिए गए वो South Africa में दिए गए। ठीक है, They agreed. तो क्या क्या constitution में क्या क्या चीजें हैं कि
पास्ट में भले ही कुछ भी हो, अब से हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम ये वो बोलते हैं ना, ग्रजेस नहीं रखेंगे, खुन्नस नहीं रखेंगे कि तुमने ऐसा किया तो हम तुमको यहां पर राइट नहीं देंगे। ऐसा नहीं किया गया, वहां पर बोला गया कि नो मैटर व्हाट पास्ट में जो भी हो, हम सब भूल के एक अच्छी फैमिली की तरह इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल क्या होता है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल जो होता है वो एक बिल्कुल स्टार्टिंग होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि पूरी कॉन्स्टिट्यूशन जो किताब है उसका एक आइडिया देता है, या फिर उसका एक फिलॉसफी बताता है कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, किस आइडिया पे बेस्ड है, किस भावना पे बेस्ड है। तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की भावना जो होती है वो प्रीएम्बल पे होती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे फ्रंट पेज पे या फ्रंट के कुछ पेजेस पे लिखा होता है, ठीक है। चलो, तो ये है साउथ अफ्रीका का प्रीएम्बल, ये तुम रीड कर सकते हो। ये प्रीएम्बल ऐसा सेम इंडिया का भी है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के आगे लिखा हुआ है कि ऐसा वहां पर लिखा है कि ये इसकी भावना है कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या कहना चाह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरे वर्ल्ड के डेमोक्रेट्स को इंस्पायर करता है कि भाई मतलब पास्ट में भले कुछ भी हो, वो चाहते ना, उनके हाथ में पावर थी, वो चाहते तो जिन्होंने उनको प्रताड़ित किया वो अब उनको प्रताड़ित कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टा आगे से ऑफर किया कि चलो साथ में मिलकर काम करते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी भावना हुई, मतलब ये कितनी प्यारी चीज है, कितनी ज्यादा प्यारी चीज है। वरना ऐसा उन्होंने बदला नहीं लिया कि तुमने ऐसा किया तो हम भी ऐसे ही करेंगे, नहीं, अब जो हो गया वो हो गया, उसको हम चेंज तो कर नहीं सकते, तो अब आगे से साथ में मिलकर चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया हमको, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो साउथ अफ्रीका जो है, इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन डू, ठीक है। द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड इन दिस डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स। अब ये आसान नहीं था, है ना। अब तुम सोचो कि कितना डिफिकल्ट होगा ट्रस्ट करना, है ना। अब जैसे ब्लैक्स जो आज तक प्रताड़ित हुए, वो कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि व्हाइट्स को अगर हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी दी तो हमको वापस प्रताड़ित नहीं करेंगे, या फिर व्हाइट्स कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि अगर ब्लैक्स पावर में आ गए तो हमको मार नहीं डालेंगे, क्योंकि व्हाइट्स को तो ये डर था ना कि हमको मार डालेंगे ये लोग मिलकर, ठीक है। तो ये ट्रस्ट कैसे हो पाएगा, तो ये ट्रस्ट को बिल्डअप करने के लिए सिर्फ ऐसे बोलचाल से तो हो नहीं सकता कि यार मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा बस खुश, तो इससे तो ऐसा होगा नहीं कि हाँ ठीक है बस शांति, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। भाई वो डर तो लगा ही रहता है, तो उस डर को हटाने के लिए, उस फियर को हटाने के लिए ये सारी चीजें पेपर पे लिखना जरूरी है, ऑन पेपर कुछ रूल्स डिफाइन करना जरूरी है कि भाई ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तभी जाके तो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अब मैं बोल दूं कि आज से मकान तुम्हारा, तो क्या तुम ऐसा बोलोगे कि हाँ चलो आज से मकान मेरा, पार्टी करने चलो? तुम मांगोगे ना भैया रजिस्ट्री के पेपर दो, ये मेरे नाम करो, लिख के दो कि ये मेरा है, ठीक है, साइन करो। तो वो चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई है ना, ये चीज यहां पर लिखी हुई है। आफ्टर, अब देखो व्हाइट्स को भी डर था कि यार इनके जो प्रॉपर्टी अभी इतनी जो होल्ड कर रखी थी इन्होंने, क्योंकि भाई व्हाइट्स तो बिल्कुल राजाओं जैसा जी रहे थे, तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसका क्या होगा। तो आफ्टर बहुत सारे डिस्कशन के बाद में, और ब्लैक्स को लग रहा था कि यार हमारे राइट्स का क्या होगा, हम तो आज तक इंसानों की तरह ट्रीट ही नहीं किया गया, तो ये बहुत सारे नेगोशिएशन हुआ कि क्या क्या चीजें दे सकते क्या क्या नहीं दे सकते। फिर फाइनली आफ्टर द नेगोशिएशन क्या क्या हुआ कि व्हाइट्स ने एग्री कर लिया कि हम सबको एक एक मतलब वोट के लिए रेडी कर लेंगे, और करना ही पड़ा, इतने सारे लोगों के सामने कैसे लड़ोगे, ठीक है। पर एनीवे द व्हाइट्स एग्री टू द प्रिंसिपल दैट 1 person 1 vote, तो 1 person 1 vote क्या प्रिंसिपल उन्होंने मान लिया। सिर्फ व्हाइट्स वोट नहीं दे सकता, ब्लैक्स भी वोट दे सकते, सब कलर्ड इंडियन सब लोग वोट दे सकते हैं जो भी वहां के सिटीजन है, ठीक है। दे ऑल्सो एग्री टू मेक सम बेसिक राइट्स फॉर पुअर्स एंड वर्कर्स, तो पुअर्स एंड वर्कर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस सबको राइट्स और बेसिक राइट्स मिलेंगे। ब्लैक्स एग्रीड दैट द मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। अब देखो ब्लैक्स जो है वो मेजॉरिटी में है ना, तो ऐसा ब्लैक्स ने एग्री कर दिया कि भाई भले हम मेजॉरिटी में पर हम एब्सोल्यूट नहीं रहेंगे। एब्सोल्यूट मतलब जैसे कि राजा करता है, अब राजा है ना, अब उसके हाथ में तो पूरा अधिकार है, कुछ भी कर सकता है। जैसे मेजॉरिटी रूल होता है कि जो लोग मेजॉरिटी में वो माइनॉरिटी वालों को प्रताड़ित कर सकते हैं भर जितना चाहे उतना, तो ब्लैक्स ने ऐसा बोल दिया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, भले ही हम मेजॉरिटी में है पर हम मेजॉरिटी में, ठीक है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के अंदर भी हमारा कुछ मेजॉरिटी पोर्शन रहेगा, पर हम कभी भी एब्सोल्यूट नहीं रहेंगे, हम कभी भी ऐसे प्रताड़ना नहीं करेंगे, ठीक है। दे एग्रीड दैट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट माइनॉरिटी, तो व्हाइट माइनॉरिटी की जो प्रॉपर्टी तुम्हारी वो तुम ही रखो, ठीक है, हमको कुछ नहीं चाहिए उसमें से। देख रहे हो तुम कितनी प्यार भावना से बनी हुई कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। फिर भी अब देखो मान लो इन्होंने ट्रस्ट कर भी लिया तो भी इसकी क्या गारंटी कि फ्यूचर में बदलेंगे नहीं, तो फ्यूचर में इसलिए यही इसका एक ही तरीका है कि भाई राइट लिख लो, लिखी हुई चीज कभी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो लिख लिए, लिख के कुछ रूल्स बना लो, ठीक है। दीज रूल्स ले डाउन दैट हाउ रूलर्स आर टू बी चोजन इन द फ्यूचर, कि अब आगे चल के रूलर्स कैसे चूज होंगे, ठीक है। गवर्नमेंट जो है क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, उनके पास में क्या पावर है क्या पावर नहीं है। फिर फाइनल दीज रूल्स डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन, सिटीजन जो है उसके क्या क्या राइट्स है। फिर These rulers will only work if the winner cannot change them very easily. हाँ, अब ये रूल सिर्फ तभी काम कर सकते हैं जब जो विनर है या जो रूलिंग पार्टी वो चेंज ना कर पाए। वरना सोचो कि मैं इलेक्शन जीत के राजा बना, अब पता चला मैंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया कि जाओ आज से ये नए रूल्स है, तो फिर क्या मतलब हुआ, है ना। तो रूल्स ऐसे होनी चाहिए जो कि रूलर खुद भी चेंज ना कर पाए, ठीक है, समझ रहे हो, वो खुद भी आसानी से चेंज ना कर पाए। कुछ कुछ अमेंडमेंट्स है, कुछ कुछ एडिशन वगैरह कर सकते हैं, बट बिल्कुल ऐसा चेंज कोई नहीं कर सकता, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका ने नहीं किया, ठीक है।
दे ऑल्सो एग्री दैट द रूलर्स विल बी सुप्रीम दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर. हाँ मतलब कि जो रूल्स हैं जो सॉरी रूलर्स नहीं जो रूल्स हैं दीज विल बी सुप्रीम. सुप्रीम मतलब कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी रूलर इनको चेंज नहीं कर सकता है. बहुत ही बढ़िया बहुत ही खूबसूरत. दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो बेसिक रूल्स होते हैं जिसके अंदर सिटीजन के क्या क्या राइट्स हैं, सिटीजन क्या क्या कर सकता है क्या क्या नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट क्या क्या कर सकते क्या क्या नहीं कर सकते, रूलर क्या क्या कर सकता है क्या क्या नहीं कर सकता, जो बेसिक राइट्स है वो सब लिखा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में. इसको हम बोलते हैं द सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. दस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर इन द कंट्री. सारे लोगों को फॉलो करना पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द रेस इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट. ठीक है किसी भी सिस्टम के ये ऐसा नहीं होगा कि किसको फेवर कर रहा है किसी को या फिर फेवर नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ये रिलेशनशिप डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन फेलो इंडिविजुअल्स मतलब लोगों की लोगों से रिलेशनशिप कैसे होगी कि आप आपस में क्या क्या कर सकते हो और लोग गवर्नमेंट से कैसे रिलेटेड मतलब लोग क्या क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट के लिए और गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है लोगों के लिए और क्या क्या नहीं कर सकता. ऑफकोर्स वो सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में होती है. कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीजें करती है. पहली बात तो ये ट्रस्ट लाती है. इट प्रोवाइड्स ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन है ना. डेफिनेटली भाई ट्रस्ट हो जाता है अगर किताब पे लिखा हुआ तो कोई चेंज नहीं कर सकता ये ट्रस्ट हो गया. ठीक है सेकंडली इट स्पेसिफाई हाउ गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट किसके पास में क्या क्या पावर है ना. तो गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्टर उसके पास क्या पावर है, होम मिनिस्टर के पास क्या पावर है, प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या पावर है. ठीक है फिर इट लेज डाउन लिमिट्स भी लगाता है. सिर्फ पावर्स नहीं बताता कि आप ये कर सकते हो, लिमिट्स भी लगाता है कि आप ये नहीं कर सकते हो. तो क्या कर सकते हो के साथ में ये भी लिखा रहता है कि क्या नहीं कर सकते हो. ठीक है चौथा क्या है कि इट एक्सप्रेसेस एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. मतलब लोगों को ऐसी कॉन्फिडेंस आता ना कि हाँ चलो अब हम एक अच्छी सोसाइटी बिल्ड कर सकते हैं, एक हेल्दी सोसाइटी कर सकते हैं जहां पे जो सेफ हो, जो इक्वल हो, जहां पे इक्वल राइट्स रहे, जो कि एक अच्छी हैप्पी सोसाइटी हो. ठीक है All countries that have constitutions are, हाँ एक चीज समझो कि जिन कंट्रीज के पास में कॉन्स्टिट्यूशन है जरूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक हो, पर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनके पास तो पक्का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगी. जैसा हमको पता है ना कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स. ठीक है तो जिनके पास में कॉन्स्टिट्यूशन है वो जरूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब क्या होता है कि राजा का राज ही चल रहा है वहां पे. जैसे कि फ्रांस में होता, वहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाया था मैं एक बार, वहां पर क्या हुआ था कि राजा का राज चल रहा था पर वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने उसकी पावर लिमिट कर दी थी. इसका मतलब हम उसको डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते है ना. तो पर अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तब तो पक्का उसके पास में कॉन्स्टिट्यूशन होगी. कि मैंने बोल दिया इंडिया डेमोक्रेटिक मतलब है, बट ऑब्वियसली बात है कि भाई इसके पास में इंडिया के पास में कॉन्स्टिट्यूशन होगी होगी. ठीक है आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन द अमेरिकन गेव देमसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन. आफ्टर द रेवोल्यूशन फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड. हाँ तो यही चीज है. ठीक है अमेरिकन ने अपना आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिया, फिर फ्रेंच में भी एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. सिंस देन इट हैज बिकम अ प्रैक्टिस कि सारी डेमोक्रेसीज के अंदर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए ऑब्वियसली. ठीक है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका के साथ में इंडिया में भी बहुत डिफिकल्ट था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना. क्यों डिफिकल्ट था? क्योंकि भाई यहां पर कंट्री सिर्फ मतलब कंट्री में बहुत डाइवर्स लोग हैं, बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस के मामले में डाइवर्सिटी है, रिलीजन के मामले में डाइवर्सिटी है, कास्ट्स बहुत सारी हैं. ठीक है लोगों का रहना सहना रहन सहन अलग अलग है, फिर पुअर अमीर गरीब बहुत है, तो अलग डाइवर्सिटी अलग अलग प्रकार की बहुत सारी है. तो ऐसे में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लाना जो कि सबके लिए इक्वल हो और सब एक्सेप्ट कर पाए कितना डिफिकल्ट काम होगा. ठीक है कितना ज्यादा डिफिकल्ट काम होगा. तो जो कंट्री है पहली बात तो कंट्री बनी कैसे इंडिया, इंडिया सेपरेट, इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट कैसे ऑन द बेसिस मतलब मेनली जो उसका वो था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस. ठीक है द ब्रिटिश हैड लेफ्ट. अब देखो क्या होगा, ब्रिटिश तो चले गए, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ भी इसमें अपना नहीं रखा. उन्होंने बोला कि हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, हम तो निकल रहे हैं ऐसा, तुम तुम्हारे हिसाब से देख लो. ठीक है तो तुम तुम्हारे हिसाब से देख लो. मैं क्या हो कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स भी थे, मतलब भाई राजघराना भी था ना, अलग 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 लोगों का राज था, अलग अलग स्टेट्स थे जो कि राजाओं के थे, अभी भी हैं कुछ. ठीक है तो अलग अलग स्टेट्स जो राजाओं के थे उनके पास में फ्री थे वो कि वो कुछ भी कर सकते, वो चाहते तो अपनी खुद की कंट्री भी बना सकते थे. तो देखो तुम्हें जो पिंक कलर के दिख रहे हैं ना, दीज आर प्रिंसली स्टेट्स, और ये जो येलो कलर के दीज आर ब्रिटिश स्टेट्स, मतलब जो ब्रिटिश के अंदर थे और बाकी ऑल्दो पूरा इंडिया ही ब्रिटिश के अंदर था, बट स्टिल ये जो पिंक वाले ये सब जैसे कि ये राजपूताना हो गया तुम्हारा. ठीक है फिर मैसूर, फिर हैदराबाद में हो गया, फिर ईस्टर्न इंडिया में हो गया. ठीक है राजस्थान एंड गुजरात पूरा पोर्शन था. तो दीज आर प्रिंसली स्टेट्स. अब इनके पास में ये पावर थी कि वो चाहते तो खुद की कंट्री बना सकते थे कि भाई जो राजपूताना वाला पार्ट है ये एक अलग कंट्री हो गया, फिर जो हैदराबाद वाला है अलग कंट्री हो गया. तो ऐसे तुम सोचो कि कितने ज्यादा मतलब क्या हाल हो जाता अगर इतनी सारी कंट्रीज बन जाती. तो इन सब प्रिंसेस को, ये सब जो प्रिंसेस मतलब ये सब जो राजा थे, ठीक है जो रूलर्स थे वहां के, उन सबको कन्विंस करना कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा कि यार तुम लोग अपना अपना मत कर लेना यहां पर. ठीक है अगर कर रहे तो सब साथ मिलकर करते हैं, तुम इसमें प्लीज कुछ भी ऐसा मत करना तोड़ मरोड़ ताकि बिगड़ जाए फिर से सब काम. तो ये कितना डिफिकल्ट रहा होगा कन्विंस करना. ठीक है और ये पहले देखो पाकिस्तान वाले एरिया भी अलग ही था, मतलब साथ में ही था ऑब्वियसली. ठीक है फिर जब ये सेपरेट हो गया तो पाकिस्तान यहां से अलग हो गया और ये हमारा इंडिया जिसमें अलग अलग स्टेट्स बन गए. ठीक है बहुत बढ़िया. द मर्जर ऑफ दी स्टेट्स वॉज डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन. डिफिकल्ट था और अनसर्टेन था.
ठीक है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब बहुत लोगों को एंग्जाइटी थी कि भाई फ्यूचर ऑफ कंट्री कैसा होगा, आज तो हमने बना दी पर फ्यूचर कैसा होगा, तो उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करनी थी कि अगर कुछ भी ऊंच नीच हमने कर दी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में तो क्या पता 10 साल बाद कुछ काया पलट हो जाए, क्या पता 10 साल बाद फिर से मोनार्की आ जाए, क्या पता 10 साल बाद फिर से राजा लोग उठ के बोल दे कि हम राजा हैं तुम कुछ भी नहीं हो, ऐसा कुछ भी हो सकता था भाई। डर तो सबको लगता है ना, पॉसिबिलिटी तो है, और सिर्फ 2-3 लोग तो मिलकर कर नहीं रहे कि भाई तू ऐसा मत करना, तू ऐसा मत करना, हजारों लाखों करोड़ों लोगों की बात है यहां पे, ठीक है। तो ये चीज है, द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर एंग्जाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्री, ऑब्वियसली बात है। द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, सारी डिफिकल्टीज के अलावा एक एडवांटेज ये था, एक एडवांटेज ये था कि अनलाइक साउथ अफ्रीका यहां पर एक हमको एक कंसेंसस नहीं लगा, है ना, एक कंसेंसस लगा अबाउट, मतलब देखो एक बात समझा दो तुमको, जैसे साउथ अफ्रीका इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल तो 100-200 साल से चल ही रहा था, मतलब लोगों को एक बेसिक आइडिया तो था ही कि उनको इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या चाहिए, जैसे राइट टू वोट चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, ये सारी चीजें बेसिक आइडिया था ही, तो ये बेसिक आइडिया बनाना नहीं पड़ा इंडिया को, ठीक है, मतलब कि ये ऐसी बेसिक कोई चीज इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आई कि बेसिक चाहिए क्या क्या, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद आप क्या करना है, लोगों को कैसे करना है, तो लोग बहुत क्लियर थे इस मामले में कि हमको क्या क्या चीजें चाहिए, हमको डेमोक्रेसी चाहिए, हमको इक्वल राइट्स चाहिए, हमको प्रॉपर वोटिंग राइट्स चाहिए, हमको हर चीज में इक्वालिटी चाहिए, हमको फ्रीडम चाहिए, तो ये सब बेसिक चीजें तो क्लियर थी, तो ये डिफिकल्टी नहीं थी एटलीस्ट। साउथ अफ्रीका में ये भी प्रॉब्लम थी, है ना, कि व्हाइट्स और ब्लैक्स में कितना क्या किसको देना है क्या नहीं देना, यहां पर तो सब एक बेसिक आइडिया सबको था कि सब इक्वल रहेंगे, ठीक है। मच ऑफ दिस कंसेंसस हैड इवॉल्वड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, तो वही चीज समझी, ठीक है। नेशनल मूवमेंट, देखो हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी वो सिर्फ फॉरेन रूल के अगेंस्ट स्ट्रगल नहीं था कि भाई तुम लोग भाग जाओ बस, सिर्फ इसके लिए नहीं था, ये इसलिए भी जरूरी था ताकि पूरी कंट्री को रिजुनेट कर पाए, क्योंकि भाई जब से ब्रिटिशर्स आए उसके कुछ साल पहले से इंडिया की जो अखंड भारत जो हम बोलते हैं, फिर जो इंडिया की सॉवरेनिटी है, या फिर जो ऐसा बोल सकते कि यार एक एकता है, वो टूट रही थी धीरे धीरे, तो एक ऐसा स्पिरिट फिर से लाना था कि यार सब पूरे इंडियन साथ में मिलकर रहे, ठीक है। तो देखो अब बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स में अलग अलग ओपिनियन थे, है ना, बहुत सारे ग्रुप सोचते थे कि ऐसे इंडिपेंडेंस होने चाहिए, बहुत सारे ऐसे, मतलब शार्प डिफरेंसेस थे जिससे लड़ाई भी हो सकती थी, पर फिर भी बहुत ही प्रेम भावना से मिलके साथ में, थोड़ा बहुत डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, बट स्टिल एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, ठीक है। येट सम बेसिक आइडियाज हैड टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन, कुछ बेसिक आइडियाज तो सबको लेने थे, कुछ डिफरेंसेस आज भी एग्जिस्ट करते हैं, कुछ लोग सोचते आज भी ऐसा सोचते कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, बट बेसिक आइडिया सबको पता है कि भाई जो इक्वालिटी का हो गया, फिर जो फ्रीडम का हो गया, सब बेसिक आइडिया सब लोगों को पता है कि ये तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, ठीक है। 1928 में पहली बार मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। क्या होता है कि उस टाइम अंग्रेजों ने बोला था कि तुम जो बार बार इतना बोलते हो कि हम बना लेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हम रूल कर लेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन बना के बताओ, ऐसा कुछ तो हुआ होगा, एक इंसिडेंट है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। तो उस टाइम 1928 में एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, फिर 1931 में द रिजोल्यूशन एट कराची सेशन, यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह भी सोचा, ड्वेल्ट मतलब कि सोचा गया, इस पर चर्चा की गई कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन दिखना चाहिए, यह फार बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब कुछ 16-17 साल पहले इंडिपेंडेंस के, ठीक है। फिर इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को कमिटेड, बोथ दिस डॉक्यूमेंट्स आर कमिटेड टू द इंक्लूजन, मतलब दोनों ही डॉक्यूमेंट, दोनों जो 1920 और 1931 वाला है, इन दोनों में बेसिक चीजें इक्वल थी, क्या क्या, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब इक्वल राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट टू माइनॉरिटीज, ये सारी चीजें दोनों में बराबरी से थी, ठीक है। तो सम बेसिक वैल्यूज आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द लीडर्स बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट टू डेलिब्रेट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो एक्सपीरियंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड तुम रीड करना, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई ब्रिटिशर्स ने जो रूल किया वहां से हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिला, है ना, तुम सोच रहे हो, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि वो चले गए तो हाँ अब हम हमारे साथ करेंगे, बहुत सारी हमने ऐसे कॉपी नहीं किया कुछ भी, पर हमने एक इंस्पिरेशन ली, हमने कुछ सीखा कि अच्छा इन्होंने कैसे रूल की थी गवर्नमेंट, क्योंकि वो उन्होंने भी की थी ना, मतलब 200 साल से उन्होंने भी अपनी बना रखी थी गवर्नमेंट, ठीक है, और उनका भी काम चल रहा था वहां पर, यहां पर तो उन्होंने क्या क्या चीजें अच्छी की वो सब इन्होंने ली, जैसे कि अब जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, इंस्टीट्यूशन कैसे बनाना है, कि जैसे अभी प्रेजेंट में तुमको पता है आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, कलेक्टर्स होते हैं, फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, फिर मतलब जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स है वो हो गए, आईपीएस हो गए, सारी चीजें होती है, तो ये सब कहीं ना कहीं वहीं से हेल्प ले गए, वहीं से थोड़ा आइडिया ले गए कि इसको कैसे कैसे हमको स्ट्रक्चर करना है, कि भाई गवर्नमेंट कैसी होगी, एमएलएस क्या करेंगे, फिर जो आईएएस टाइप्स के आईएएस या जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, ये सारी चीजें आइडिया वहां से लिया गया, ठीक है। This is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the देखो एक 1935 के अंदर ब्रिटिशर्स ने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था, इसके अंदर कुछ 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 रूल्स थे, तो काफी सारे रूल्स उनमें से उठा के लिए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि हालांकि ब्रिटिशर्स ने बनाया था, बट फिर भी उनमें जो अच्छी चीज थी, भाई अच्छी चीज तो अच्छी चीज है, ऐसा हम ईगो पर थोड़ी लेंगे कि इन्होंने बनाया तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अच्छी चीज थी, उसको लिया गया और डेफिनेटली हुआ गया, बहुत साल की डेलिब्रेशन, बहुत सारा सोचा गया इस बारे में, ठीक है, और हमारे लीडर्स को कॉन्फिडेंस भी आया,
कि देखो क्या हुआ कि अब बहुत सारी कंट्रीज में जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज से इंस्पिरेशन ली गई, तो इससे क्या हुआ, एक कॉन्फिडेंस आया कि यार बाकी कंट्रीज को देखते हुए जब हमने ऐसा सोचा कि यार हम क्या क्या बेस्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने कुछ ट्रायल एंड एरर भी देखे कि बाकी कंट्रीज ने क्या क्या काम किया, क्या क्या काम नहीं किया, और जो अच्छा अच्छा काम किया उसको हम हमारे हिसाब से तोड़ मरोड़ के लगा देंगे, तो लीडर्स को भी कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन वो अच्छी बन सकती है। बहुत सारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑब्वियसली हुए, फिर बहुत सारे डेमोक्रेसी, मतलब जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती है उससे हुए, फिर बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस इससे भी काफी हुए, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया, ठीक है, पर इसके अंदर नहीं कि हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लिया कि भैया आप लोगों ने ये किया तो हम सेम टू सेम चीज हम भी करके बता देंगे, देखो ये देखो कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ऐसा कुछ काम नहीं किया। इसको क्या होगा कि हर स्टेप पे जैसे कि वहां से कुछ उठाएगा, है ना, अब हमने देखा, अब जैसे एक एक वहां का प्रिंसिपल लिया कि ये प्रिंसिपल है ना, एक लाइन है कि भाई लोगों को ऐसे रहना चाहिए, तो उसको यहां पर लाए, फिर हमने यहां पर सोचा, काफी बार क्वेश्चन किया, काफी डिबेट्स हुई एक एक चीज के ऊपर कि क्या ये चीज इंडिया में सक्सेसफुल हो सकती है, क्या ये इंडियन लोगों के सेंटिमेंट्स के हिसाब से, क्या ये अलग अलग रिलीजन के लोगों को जोड़ सकती है, ये हर एक स्टेप पे सोचा गया। भाई तुम सोच रहे हो ऐसा हवा में नहीं बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन कि किसी की इच्छा हो तो लिख के चले गए, बहुत विचार किया गया भाई इसके ऊपर, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कि असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया, उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो जो भी ऐसे ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इलेक्शंस, अब देखो 1946 में इसके इलेक्शंस हुए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन कौन होगा, कौन कौन पार्ट लेगा, उसके इलेक्शंस जुलाई 1946 में हो गए थे, एक साल बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। पहली मीटिंग इसकी दिसंबर 1946 में हुई थी, तो पहले इलेक्शन हो गए, फिर मीटिंग हुई कि जो भी लोग इलेक्ट हुए, जो भी लोग आए कि अब कौन कौन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो आ गए, ठीक है। काफी अब उसके बाद में 1947 में तो ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान में डिवाइड हो गया, तो जब इंडिया पाकिस्तान में डिवाइड हो गया तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ये भी डिवाइड, obviously क्योंकि पाकिस्तान अगर अलग कंट्री है तो वो उनके अलग रूल्स बनाएंगे और इंडिया जो है वो अपने अलग रूल्स बनाएंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो पाकिस्तान में अलग डिवाइड हो गई और इंडिया की अलग हो गई, ठीक है। चलो तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, मैं सिर्फ इंडिया वाले की बात कर रहा हूं, उसमें 299 मेंबर्स थे, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया कब, 26 नवंबर 1949, पर इसके कितने एग्जैक्टली दिसंबर जनवरी दो महीने बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, और आज इस डेट को हम रिपब्लिक डे बोलते हैं, ठीक है। तो रिपब्लिक डे क्या होता है, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, केम इनटू इफेक्ट के बाद ध्यान रखना, क्योंकि अडॉप्ट तो हमने 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया था, ठीक है। चलो, Why should we accept the constitution made by this assembly more than 50 years ago? 50 साल पहले भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया इसको हम आज भी क्यों माने, हो सकता है बहुत सारी चीज चेंज हो गई। तो भाई देखो पिछले इतने सालों में भी काफी सारे लोगों ने सवाल उठाया कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, पर किसी ने भी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा गलत साबित नहीं किया। कुछ प्रोविजंस के ऊपर सवाल उठाया कि यार इस चीज को ऐसा बेटर अप कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, पर पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया है उस पे किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज वेरी अनयूजुअल अचीवमेंट भाई, ये बहुत ही एक अनयूजुअल चीज है कि इतने सालों के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन को उतना ही रिस्पेक्ट किया जा रहा है, उतनी ही उसके हिसाब से काम किया जा रहा है, तो बहुत ही प्राउड फील होने लगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा बनाया गया था, ठीक है। द सेकंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, ऑब्वियसली। ओके, द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस। हाँ, एक और चीज, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो लोग थे ना वो वोटिंग से नहीं आए थे कि मतलब सब लोगों ने वोट किया, वो कुछ जैसे कि कुछ मिनिस्टर्स थे, तो जैसे कुछ राजा थे तो उन्होंने अपने मिनिस्टर को भेज दिया, कुछ कॉमन लोग भी थे, फिर कुछ अलग अलग जगह से कुछ लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि डेफिनेटली वोटिंग तो कर नहीं पाते उस टाइम पे, ठीक है। चलो, द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है उसने इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल उसको लीड किया था, ठीक है। पर कांग्रेस जो है इटसेल्फ इंक्लूडेड, कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग टाइप के लोग थे, अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स के लोग थे, अलग अलग ओपिनियंस वाले लोग थे, ठीक है। असेंबली में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि कांग्रेस को एग्री नहीं करते थे, कांग्रेस का कुछ अलग मानना था, बाकी असेंबली के लोगों का कुछ अलग मानना था, ठीक है। डोमिनेटेड का मतलब यह कि मेन जो ज्यादातर लोग थे वो असेंबली के अंदर INC के थे, यानी कि कांग्रेस के थे, ठीक है। इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स, देखो असेंबली के अंदर ये बहुत अच्छी बात थी कि असेंबली में सिर्फ एक टाइप के लोग या फिर एक रीजन के लोग नहीं थे, वहां पर मल्टीपल रीजन के मल्टीपल लोग थे, अलग अलग प्रकार के लोग थे, ठीक है। फाइनली द मैनर इन विच कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क्ड गिव सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये सैंक्टिटी मतलब क्या होता है, पवित्रता, पाक मतलब समझते हो, पवित्र, ठीक है, सेक्रेड, होली, ठीक है, होली मतलब खेलने नहीं, HOLY वाला होली, ठीक है, होली, ठीक है। बेसिकली इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है कि ये एक बहुत ही सेक्रेड चीज बन गई, सेक्रेड मतलब धर्म ग्रंथ होता है ना, उस टाइप की चीज बन गई, क्योंकि हर धर्म के लोग, हर जगह के लोग, अमीर गरीब सब लोग, छोटी कास्ट, बड़ी कास्ट, हायर क्लास, लोअर क्लास, सब तरह के लोगों ने एक ही चीज के ऊपर काम कर फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बनी, बहुत ही खूबसूरत सी, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क इन वेरी सिस्टमेटिक ओपन एंड कंसेंशुअल एंड कंसेंसस बेसिस पे चल रहा था ना, कि कुछ भी ऐसा मन मर्जी से नहीं होता, कंसेंसस लिया गया था, सब लोगों की राय ली गई थी, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स डिसाइड किया गया था पहले, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बिठाई गई जिसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, अब जिनको हम सब जानते हैं, ठीक है। सेवरल राउंड्स ऑफ थॉरो डिस्कशन टुक प्लेस, काफी सारा डिस्कशन हुआ, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना क्लॉज बाय क्लॉज, और 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स को के ऊपर ध्यान दिया गया, ठीक है। 114 दिन, 3 साल के पीरियड के अंदर 114 दिन लोगों ने काम किया डेलिबरेटली, मतलब उस दिन बैठ के सिर्फ यही काम करना, हमको कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना, ठीक है। हर डॉक्यूमेंट को बार 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 डिबेट किया गया, रिकॉर्ड, मतलब हर एक डिबेट जो हुई, जो भी डिबेट हुई कि लोगों ने चर्चा की कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, समझिए, हर एक चीज को रिकॉर्ड किया गया और रिकॉर्डिंग आज भी है, ठीक है। व्हेन प्रिंटेड दीज डिबेट्स आर 12 बल्की वॉल्यूम्स, ठीक है। तो ये डिबेट्स आज भी हो रहे, ये आज क्या होता है, जैसे मान लो आज एक लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसका कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए हम कभी कभी वो रिकॉर्डिंग का ध्यान, रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि एक दो लाइन में कुछ लॉ सम कर दिया गया है ना, अब हम इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे कि भाई इसका एक्चुअल मतलब क्या होगा, तो उस मतलब को ढूंढने के लिए वो जो रिकॉर्डिंग थी उस टाइम को, जो डिबेट्स थी, जो बहुत देर चर्चा की गई, घंटों तक चर्चा की गई, वो हम सुन सकते, ताकि हमको पता चल जाए कि उन लोगों ने उस टाइम पे ये सोच के लॉ बनाया या ये सोच के ये क्लॉज लिखा है, प्रोविजन लिखा है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो हम फिलोसॉफी देखते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, अगर हमको कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसॉफी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक्चुअल भावना क्या है, वो हम दो तरीकों से जान सकते हैं। या तो जिन लोगों ने उनको बनाया, जो लीडर्स ने बनाया, हम उनके व्यूज जान सकते हैं इसके ऊपर, या फिर दूसरा तरीका यह है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रीएम्बल होता है, प्रीएम्बल मैंने तुमको बताया, जो बिल्कुल फ्रंट पेज होता है, उस पर जो लिखा हुआ है वो रीड कर सकते हैं, वो, क्योंकि वो जो है एक पेज पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की भावना बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, ठीक है। तो पहली बात तो गांधी जी जो थे, ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उन्होंने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि देखो फ्रीडम स्ट्रगल का जब भी नाम आता है तो सबसे पहले क्या नाम आता है, महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पार्ट नहीं लिया, ठीक है। He was not a member of the Constituent Assembly, but काफी सारे लोग जो थे, obviously बहुत बड़े लीडर रह चुके हैं, तो काफी सारे जो लोग थे उन्होंने इनके जो व्यूज थे या फिर इनकी जो विजन था उसको फॉलो करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारी चीजें इंक्लूड की, ठीक है। 1931 में महात्मा गांधी की एक मैगजीन थी यंग इंडिया करके, उसमें उन्होंने बताया था कि मैं क्या क्या चाहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये कुछ चीजें लिखी हुई थी कि वो क्या क्या चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इस चीज को भी कंसिडर किया गया, ठीक है। This dream of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. B.R. Ambedkar. तो ये जो ड्रीम था कि inequality बिल्कुल eliminate हो जाए, वो Dr. B.R. Ambedkar ने बताया था। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने inequalities और सारी चीज की। He often bitterly criticized महात्मा गांधी एंड his vision, ठीक है। तो definitely criticism चल रहा था, ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी के जो views थे उनको बिल्कुल blindly follow कर लिया गया है, फिर ऐसा हुआ, उस पर भी criticism चला, उस पर भी questions हुए, पर finally क्योंकि constitution सिर्फ भावनाओं के basis पे नहीं बना सकता ना, constitution एक practical चीज भी होनी चाहिए कि practically possible है कि नहीं, तो वो सारी चीजों को बैलेंस करके, मतलब मैं तुमको बार बार ये बता रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन कितनी खूबसूरती से बना है, हमको जो लगता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, हाँ ये किताब है इसको पढ़ लो कॉन्स्टिट्यूशन, भाई वो कितने सारे लोगों की मेहनत, कितने सारे लोगों की सोच, भावनाएं, प्रैक्टिकलिटीज, कैलकुलेशंस, ठीक है, सेंटीमेंट, सब जोड़ के बनी हुई वो चीज है, ठीक है। इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच, देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो कंक्लूडिंग स्पीच थी, उन्होंने अपनी एंग्जाइटी जो थी, एंग्जाइटी उनको भी डर लग रहा था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए आगे चल के, तो उन्होंने वो चीज क्लियरली बताई थी, ठीक है। तो यहां से ये तुम रीड कर सकते हो, उनके वर्ड्स हैं, ठीक है। फाइनली जवाहरलाल नेहरू जो है, उन्होंने जो अपनी फेमस स्पीच दी, ये बहुत फेमस स्पीच है, ठीक है, जो 15 अगस्त को मिडनाइट रात को, जो स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट 1947 15 अगस्त, ये बहुत फेमस स्पीच है, ये तुम सुन भी सकते हो, यूट्यूब पर शायद अवेलेबल होगी। तो उस पर उन्होंने बोला था, जब वो उन्होंने पहली बार अनाउंस किया था कि भाई अब से इंडिया एक फ्री कंट्री है, अब से इंडिया एक वो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें भी उन्होंने कुछ चीजें बोली थी, तो ये डेफिनेटली तुम बुक से रीड करना, ठीक है। अब फिलोसॉफी देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या की फिलोसॉफी है। तो बेसिकली फिलोसॉफी ये है कि वैल्यूज दैट आर इंस्पायर्ड एंड गाइडेड बाय द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर देन नर्चर बाय इट, मतलब ये फाउंडेशन बन गई इंडियन डेमोक्रेसी के लिए या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। जो जितनी भी वैल्यूज हैं ये सब प्रीएम्बल के अंदर दी हुई है, ठीक है। दे गाइड ऑल 50 आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल हमारा क्या है, प्रीएम्बल होता है बेसिकली, इट इज अ शॉर्ट स्टेटमेंट विच गिव्स ऑल द बेसिक वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितनी बेसिक वैल्यूज है वो हमको कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल से पता चल जाती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल, प्री मतलब पहले, ठीक है, तो प्रीएम्बल मतलब पहले ही, कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग के पहले ही हो जाता है, ठीक है। तो अमेरिकन मॉडल में, अमेरिका का मॉडल था ये प्रीएम्बल डालने का, चार बार अमेरिका बोल दिया उन्होंने, अमेरिका का मॉडल था प्रीएम्बल डालने का। तुम टाइम स्टैम्प नोट करो ये वाला और कमेंट्स में बताओ कि मैंने कितनी बार प्रीएम्बल बोला है, सॉरी अमेरिका कितनी बार बोला, ठीक है, अभी तक टोटल।
पांच छह बार, तुम बताना मुझे कमेंट के अंदर, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। तो अमेरिकन मॉडल से ये वो लिया गया, इंस्पिरेशन ली गई कि प्रीएम्बल होना चाहिए ताकि क्लियर एक आइडिया लग जाए कि क्या क्या चीज है, है ना। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोएम ऑन डेमोक्रेसी, तो एक पोएम है ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है छोटे से किताब में, छोटे से किताब तो नहीं, छोटे से एक पेज पे, छोटे बहुत ही कम शब्दों में लिखा गया है कि एक इस कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या वैल्यूज हैं, ठीक है, ताकि हम एक मोटी मोटी तरीके से एनालाइज कर पाए कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। भाई अगर किसी के साथ में कुछ गलत हुआ आज, या किसी को इक्वालिटी नहीं दी गई, तो भले ही हमको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है, हमने ऑब्वियसली सब लोग नहीं पढ़ते हैं, पर फिर भी हमको ये बात पता है कि जहां पे भेदभाव किया गया वो चीज गलत है। वो क्यों गलत है, वो हमको कैसे पता है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में साफ लिखा हुआ है कि हम इक्वालिटी के बेसिस, इक्वालिटी के सेंटीमेंट है, फिर इक्वालिटी की भावना से इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब तुम यही चीज है समझो, ठीक है। इट इज द सोल ऑफ द आत्मा है ये कॉन्स्टिट्यूशन की, द प्रीएम्बल एक पेज क्या है, प्रीएम्बल दिस रीड लाइक दिस, इसको तुम रीड कर सकते हो, बहुत ही प्यारी चीज है, बहुत ही खूबसूरती से लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो एक एक टर्म है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, इन सबके यहाँ पर तुमको मीनिंग्स देखने को मिल रहे हैं, ये तुम रीड कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज, तुम इनको रीड करके समझ सकते हो, पॉज करके रीड कर लेना, ठीक है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। चलो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, अब उसको प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए, मतलब इंस्टीट्यूशंस कैसे बनाया जाए, क्या क्या अथॉरिटी रहेगी, ठीक है। फिर जैसे मैंने अभी तुमको बताया आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है, फिर अलग अलग गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे प्रोसेस चलेगी, क्या क्या चलेगा, ठीक है, फिर पुलिस के अंदर क्या क्या चीजें, तो ये सब इंस्टीट्यूशनल डिजाइन में आता है, ठीक है, कि एक्चुअली सब दिखने कैसे वाला है, क्या क्या चीजें एक्सेसिबल रहेगी, क्या क्या दिखने वाली, क्या क्या होने वाला, क्या क्या नहीं होने वाला, सारी चीजें हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलोसॉफी, कि भाई वैल्यूज बोल दीजिए, मैं तुमको बता रहा हूं ना कि सिर्फ सेंटीमेंट्स या फिर भावनाओं के ऊपर हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख सकते, इट शुड बी प्रैक्टिकल आल्सो, कि हम इसको प्रैक्टिस भी कर पाए, ऐसा हो भी सके एक्चुअली में, ठीक है। चलो ये चीज है, मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दीज अरेंजमेंट्स, इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 50 साल पहले, अब उसमें अगर कुछ कुछ नई चीजें ऐड करनी हो तो प्रोविजन होना चाहिए उसके लिए भी, ऐसा नहीं कि बस वो किताब लिख दी तो 1000 साल तक यही चलता रहेगा, 2000 साल तक यही चलता रहेगा, कुछ कुछ चेंजेस डेफिनेटली आएंगे। तुम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 500 साल बाद भी लोग सेम वैल्यूज या सेम रूल्स के साथ में जिएंगे जैसे आज जी रहे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो जो जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया उनको भी पता थी कि ऐसा जरूरी नहीं बाद में कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। सो दे मेड प्रोविजन टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है। तो लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक प्रोसीजर ले करती है कि गवर्नमेंट और लोग कैसे काम करेंगे, इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक डिसीजंस एंड इट पुट्स लिमिट्स टू व्हाट गवर्नमेंट कैन डू, ठीक है। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, जितने भी डेफिनेशन है तुम्हारी एनसीआरटी के अंदर लिखे हुए पर तुम जनरली इनको छोड़ देते हो एनसीआरटी के लास्ट में, तो ये चीज रीड करो, ठीक है, ये चीज रीड करो, इसको याद करो। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट, मेक श्योर तुम इस वीडियो को लाइक कर दो, ढेर सारा 24 घंटे के अंदर अंदर हमको 1000 लाइक्स करने, फटाफट पिछला भी कर लिया था, 2000 का टारगेट रखते हैं, साथ में अगर तुमको सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, फटाफट बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे कोई नया वीडियो होता है, और साथ में 50,000 सब्सक्राइब जल्दी से हिट कर पाए। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो parle.in और मुझे दोनों parle.in और कौन प्राण दोनों को फॉलो कर लो, साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो क्योंकि नोट्स वगैरह वहां पर अपलोड कर देंगे। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट, मेक श्योर तुम जुड़े रहो साथ में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।